अस्सलाम वालेकुम बहनों और बहनों के भाइयों को एक और वीलॉग में बहुत 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 वार्म वेलकम है। ये वीलॉग स्पेशल है क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था लास्ट टाइम रियाद हम गए थे, लेकिन इस दफ़ा रियाद की पार्टी दमाम आई है, तो अब हम दमाम में इंजॉय करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। तो आज हमारी फर्स्ट डे आउटिंग है, तो साथ रहिएगा, देखिएगा क्या क्या होने वाला है और कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं। तो लेट्स सी, अभी हमारा कुछ प्लान है कि हम मॉल निकलेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। और हाँ, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले 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 मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिसने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए और कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, थैंक यू, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोग इजीली देख सकें। निकलने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बैग जैकेट शैकेट सब कुछ ले लिया है। नबील ऑफिस में है, लेकिन नबील घर पर आएंगे और हम अभी मॉल जा रहे हैं, मॉल जाके फिर हम घर पर आएंगे, फिर नबील को पिक करेंगे और फिर एक और जगह जाएंगे। तो स्टे ट्यून, हमारा प्लान है निकलने का यहाँ से डायरेक्ट मॉल, और मॉल जाके हम थोड़ा सा घूमे फिरेंगे वहाँ पे, उसके बाद हम वापस घर आएंगे, नबील को पिक करेंगे और उसके बाद एक और जगह जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ सब वाइंड अप हो गया है, बस मैं चाबी लेके खड़ी हूँ, सॉरी कीज लेके खड़ी हूँ, और भाभी का वेट कर रही हूँ, जैसी आती है तो गेट बंद। आज नबील नहीं है ना, ये काम मुझे अंजाम देना पड़ रहा है, वरना लॉक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नबील की होती है। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं नकील मॉल, तो लेट्स सी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है और क्या नहीं। और हजरात मेरे बच्चे की खुशियां ही अलग है, यहाँ बच्चों का फोटो शूट हो रहा है जो कि भाभी कर रही हैं। फुल स्टाइल में बच्चे अपने अपने, भाईजन भी मौजूद हैं। हमें फिर हरी हरी सूझ रही है, हमारा दिल कर रहा है कि हम सेंटर पॉइंट की तरफ जाएं, तो हेयर सेंटर पॉइंट हमारी कमजोरी। तो जी मैं निकल गई हूँ बाहर, कुछ खास नहीं था, कुछ परफ्यूम वर्फ्यूम्स आए हैं, लेकिन ऑफ प्राइस पे भी उनके वही हाई रेट होते हैं, तो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा चल रहा है ये सेंटर पॉइंट। यहाँ पर आओ तो बाय वन गेट वन अजीब ही ऑफर्स होती हैं, मतलब एक लो और एक लो और फिर वही रेट पे लो और फिर वही लेते जाओ, इससे बेहतर ऑनलाइन ले लो। यहाँ इतनी सारी चीज़ें देखकर ऐसा स्पेशली कुछ समझ में नहीं आता कि यार लेना क्या है। तो जी मैं तो निकल गई हूँ बाहर और मैं वेट कर रही हूँ अभी भाभी और भाईजन का, बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ, एक ये रहा एक ये मोहतरमा, हजरात भाभी भी आ रही हैं। मिला नहीं हमें खास ऐसा कुछ, मिला हजरात भाभी आ रही हैं वहाँ से, भाईजन घूम गए सेंटर पॉइंट पे। क्या हुआ, नहीं मिले भाभी को, नहीं मिले भाईजन। हम यहाँ आए हैं लेकिन ऑफर के बाद भी लग रहा है कोई ऑफर नहीं है। ये कुछ गिफ्ट पैक लग रहा है, अच्छा 35 का, 15-35 का हुआ, दो चीजें खुलते हैं। कुछ मेरी फेवरेट कलेक्शन में जो दिखी है मैक्स पे, खूबसूरत तरीन हुडीज, एक ये कलरफुल, मुझे कलरफुल बहुत पसंद है, अच्छी कलेक्शन आई हुई है, लेकिन मीरप का साइज नहीं है, अफसोस। फाइनली शॉपिंग करते करते मुझे मीरप के लिए कोई चीज़ नहीं, तो मैंने ये दिया है स्पाइडरमैन विद इट्स ग्लव्स, इट्स गुड, आई होप कि मीरप को पसंद आएगा, मीरप का बहुत फेवरेट है स्पाइडरमैन। बड़े ही तफसील के साथ लोगों के पार्सल्स चेक हो रहे हैं और काउंटर पे बहुत ही तरीके से टैक्स निकाल रहे हैं, बहुत 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 सही है, तो वो टाइम लगेगा। फाइनली गॉट माय शॉपर, बहुत देर लगाई, इतनी लंबी लाइन थी, उल्टी आ रही है, निकलो बाहर जल्दी से। चलो जी कर लिया है भाभी लोगों से कोऑर्डिनेट और ये लोग तो निकल गए थे मुझे छोड़ के, मैं इस शॉपर की चक्कर में बड़ी ख्वार हुई हूँ लाइन में, कार्ड की अलग लाइन, कैश की अलग लाइन, ओह माय गॉड इतने सारे मसले मसाइल। खैर ये लोग ऊपर निकल गए बच्चों को लेके प्ले एरिया में, और प्ले एरिया का रुख मैं यूँ करके दिखा दूँ कुछ ऐसे, ऊपर से भी दिखाऊँगी। और अभी जा रही हूँ मैं ऊपर यहाँ से, और ऊपर जाके बताती हूँ कि क्या सूरत हाल है बच्चों। लेट्स गो, मैं ढूंढ ही रही हूँ अभी तक इन लोगों, लेकिन ये लोग नहीं मिल पा रहे मुझे, और आंखों में मैंने भू लगा ली, क्या बोलते हैं, दूरबीन, और देख रही हूँ कहीं ना कहीं लोग मुझे मिल जाएंगे। बहुत शोर है, बाप रे बाप बहुत शोर है, भाई साहब बहुत शोर है,
अभी भी नहीं दिख रहे हैं। फाइनली ये लोग मिल गए हैं, काफी देर से घूमे हुए थे और अब सारे के सारे मिल गए और अब हम लोग बच्चों के साथ प्ले एरिया एंजॉय करेंगे। तो और आज रात यहाँ बॉलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, करेगा कोई नहीं पता है मुझे, लेकिन बस ये ऐसे ही आए हैं हम लोग यहाँ पर बैठने के लिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे चलते चलते एक और चीज़ आई है, ये अंकल डायरेक्शन बता रहे हैं कि भाई आपको बॉलिंग कैसे करनी है। लोग फेंकते तो हैं लेकिन जाता नहीं है टारगेट में, तो ये बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से करके यूं करके। और ये जी तो आप देखें बच्चों का दीवानापन, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई वो भाग रहा है। एक मोहतरमा इसके अंदर चली गई है, ये मोहतरमा यहाँ, वो मोहतरम, बस आप तो आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बच्चे के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बताइए ना मेरा यहाँ कितना भगाने वाला है। जब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ बहुत तेज बोलना पड़ा है, भाईजान बच्चों को एंजॉय करवाते, इधर आओ उधर आओ बच्चों इधर आओ। भाईजान ने सही काम पे लगाया मीरा को, सब मीरा की मतलब की चीजें। और सस्ते में बच्चा खुश। और हजरात यहाँ पे कंपटीशन ऑन है, फुल ऑन है, सिर्फ ऑन नहीं है फुल ऑन है। और हमें चोरी चोरी बॉल्स निकाले हैं और उसी में वापस डालकर उसी से वापस ले रहे हैं बास्केट से, बस हमारे यही काम है, क्या करें, इसी में कामयाबी और आफियत भी इसी में है। और ताऊ अपनी सख्त ड्यूटी निभाते हुए टूवर्ड्स मीरा। साथ हम अपने प्ले एरिया का एंड करते हैं। इसी के साथ एंड होता है, पहले हमने ऐसी बोल दिया था, अब एंड हुआ है। इनका डांस ही खत्म हो रहा भाई साहब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटा ये ट्रैम्पोलिन नहीं है। तो जी हमने डिसाइड करा है अब हम यहाँ से करेंगे मूव, और मूव करके हम जाएंगे सीको पे अपने समोसे और चाय खाने, मोस्ट फेवरेट सबके। और खाने के बाद फिर हम शायद नबील को पिक करेंगे या पहले नबील को पिक करेंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ से और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारियों में हैं। तो भाई हम खड़े हैं गेट के बाहर, वेट कर रहे हैं, भाईजन लोगों का बस ये लोग आते हैं तो हम लोग गाड़ियों में डंप होंगे और घर की तरफ निकलते हैं। उसके बाद का सिलसिला बताते हैं आपको थोड़ी देर बाद। Stay tuned. बस भाईजन यहाँ से निकल रहे हैं समोसे लाने के लिए, हम आ गए हैं सीको। Here is our chai. और अजाने भी होना शुरू हो गई हैं। समोसे आ गए हमारे, गुड। तो भाई यहाँ हमारी टी पार्टी और समोसा पार्टी एंड हुई, अब हम घर की तरफ। Few hours later. भाई हमारी तैयारियां फिर शुरू हो गई और हम फिर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। नबील को हमने ले लिया है, थोड़ा रेस्ट कर लिया है बच्चों के साथ, और ये रहे नबील, इनका हमने घर से उठाया है नींद में। हाँ थोड़ी सी आइस सोइल कर दी, सोइल भी हो गई थोड़ा सा, मैंने अपना लुक भी चेंज किया। माय गॉड। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं और मीरा पहन रहे हैं शूज, निकलते हैं देखते हैं कहाँ जाना है खाने पीने। रोटी एंड गोश्त एंड चिकन एंड दो गेट बंद करते हुए दोपहर में मैंने लगाया था और मैं मिस कर दी थी, तो बंद किया। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं कहाँ, यहाँ सीखें खाने। थोड़े टाइम पहले भी आए थे लेकिन बाहर की सेटिंग नहीं थी, लेकिन अब बाहर की सेटिंग भी है। और ये रहा इनका किचन जो कि हम करीब से दिखाते हैं। सफाई चेक करें आप लोग, जबरदस्त। लोगों ने यहाँ पे अपनी सेटिंग ले ली है और बैठ गए हैं, फुल छत्ते वत्ते सब मौजूद हैं इधर।
यहाँ पे बच्चों का दिखाओ, बच्चे अपने ही लग गए खेल में। मेरा वही यहाँ पे मेन्यू डिसाइड हो गया, फुल दबा के मंगवाएंगे हम रोटियाँ। हम कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं दो गोल्ड ड्रिंक बच्चों का। बिल भी ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते लेंगे। चलो भाई आता है तो दिखाते हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं वैसे आए भी तरीके से, तो लेट्स सी क्या आता है। उन्होंने हमें आसरा कराने के लिए ये टिका दिया, और ये स्पेशल सॉस है, स्पेशल। हाँ इसको स्मेल करेंगे तो ये वही वाली है लास्ट टाइम जो करते। ओह स्वाद आ रहा है, स्वाद। हम लोगों को बिल्कुल सब्र नहीं हुआ और हमने इसके साथ भी खाना शुरू कर दिया। यहाँ हम इसी से काम चला रहे हैं, हमारा भी ऑर्डर बन रहा है उधर, ये बन रहा है और अभी तक टाइम फूड टाइम। ये अंकल ये लाए जो जबरदस्त किस्म की बूटियाँ हो रही ना, ओए होए ये मुंह में पानी आ रहा है, ये मजीद से के आई हैं, और ये वाली गोश्त की है, ये गोश्त प्लस चिकन, और ये एक आया है कोई प्लेटर, ये कौन सा प्लेटर गया था इसका? ये है यार, ये है कुछ कबाब, इसके अंदर चीज है। ओके चलो बच्चे हमारे हैप्पी बर्थडे जबरदस्त खा के बताते कि कैसी नॉन है भाई। तो जी हमारी टेबल का हाल कुछ ये हुआ है, एक ही बची है और ये एक बची रही है मेरे फिनिश। तो जी हम खा चुके अपना भरपूर खाना और अब हम निकल रहे हैं कॉर्निश की तरफ, कॉर्निश नहीं अजदान की तरफ। तो हम आपको दिखाते हैं अजदान मॉल, बहुत अच्छी प्लेस है। उम्मीद करती हूँ कि वो जगह आप लोगों को ज़रूर पसंद आए, क्योंकि हमें पर्सनली वो जगह बहुत पसंद है। तो स्टे ट्यून्ड, रिव्यू कैसा था खाना? अच्छा था, और अप्रूव्ड नहीं, मसाले वाले बताए हैं वो, जो मसाला बहुत अच्छा टेंडर था, चिकन की ग्रेवी थी अच्छा, हमारे जगह कबाब स्पेशल था, उस कबाब स्पेशल के अंदर कुछ नहीं था कि चीज़ के अंदर चीज़ बहुत अच्छी सही है, लेकिन हम जो एशियंस हैं वो थोड़ा स्मेल थी उसके अंदर, यस, लेकिन ओवरऑल उसका वो टेंडर और सब कुछ बहुत अच्छा। वाकई हमें, मुझे तो खैर वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं समझ में आई, जिसमें हल्की सी बिसेंद आ रही थी गोश्त में से, तो मैं बिल्कुल भी नहीं वो खा पाई, और कुछ अजीब था, बस मैंने वो बोटियों पे ही फोकस करा अपना, शत्ता वत्ता डाल के। तो लेट्स मूव ऑन अनदर प्लेस, सो स्टे ट्यून्ड। अब भैया भाभी से रिव्यू का टाइम है, तो भाभी कैसा लगा खाना? अच्छा था, डिफरेंट था, लेकिन मुझे वो बताया मैं कब से मंगवाया था चीज़ वाला, उसके लिए आपका क्या हुआ? अच्छा हाँ भाभी के लिए, हाँ हम लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि वही उसमें एक बिसेन थी अजीब सी, हमने बस मैं अच्छा था कि नेंडो का डिसीजन हमने नहीं लिया और हम इधर आ गए। नबील वॉलेट, इतनी जायदाद के दादी नबील, क्या कर रहे नबील यार, लोग कुछ वहाँ पे स्टेट के ना रहते हैं। Finally, we are at Ajdan Walk. तो जी फाइनली हम आ गए हैं प्लेस पर जो कि है अजदान वॉक। ये रहे नबील सुल्तान और ये रहे बाकी सब जाते हुए आगे, आगे जाके बताते हैं कि क्या सच है, अंदर एक पूरी दुनिया है इसके, दुनिया। ओ भाई हाँ यहाँ पे पूरी सिटिंग एरिया बना हुआ है, और ये हम नीरव को उतारने की जद्दोजहद में। ओ भाई साहब
शूटिंग चल रही है भाई साहब। पूरा एरिया बना हुआ है। हमें चलते 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 वो दिख गया है मेंटरोस। मेंटरोस मेंटरोस गिरा। अगर किसी ने अभी तक नहीं सर्च किया है इसका मर्जी तो मेरे शॉर्ट्स पे जाके सर्च करें हैशटैग मेंटरोस, खुद ही पता लग जाएगा कि किसकी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे पानी ही पानी है और ये है पानी पानी पानी। और क्या मेंटरोस का इन्होंने व्यू दिया है, माय गॉड। ब्रश चेक करें भाई, ये है दमाम हमारा। ऐसे बोले जैसे मेरे बाप का दमाम है। नहीं नहीं बस ये जहाँ हम रहते हैं वो दमाम है। हमारा बच्चा वापस से वॉकर से उठ गया है और ये बड़ी अच्छा सा कैफे टाइप बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग अंदर प्लेस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और हमारे बच्चे को किसी सूरज चैन नहीं है। और ये रहा एक प्यारा सा व्यू। हम तो इन रूम्स पे इन सिटिंग पे दाव हो गए, मतलब बहुत बेहतरीन। मतलब इसको खोलो और बैठ जाओ, लाइक क्लोज है सूरत सिटिंग सूरत। अच्छा एक यहाँ है और एक जैसे यहाँ आगे की तरफ जाएंगे तो ये एक बन, फिर यहाँ पर, फिर और आगे। और हजरा जो व्यू है और जो हम एंजॉय कर रहे हैं, इट वॉज टू गुड। और अच्छी फिशेस, ये देखो सारी फिशेस, मतलब क्या जंप लगा रही हैं यार। मतलब इन्होंने एक बड़ी अच्छी से डाइव मारी है छोटी छोटी फिशेस ना। ये रे ठीक है, अब थोड़ा रिलैक्स हो। मेरा तो दिल कर रहा है हर तरीके हर एंगल से पिक्चर्स खींचूं। बड़े मजे की आ रही हैं पिक्चर्स, लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। और यहाँ तो दिल कर रहा है खड़े ही रहो यार, मतलब बहुत अच्छा व्यू है। भाई जन भाभी लोग ये रहे एंजॉय मार रहे हैं और ये रहे बच्चे फिशेस देखते हुए। अब बस और जगह देखते हैं कोई बड़ी मजे की बनी हो कुछ तो। बिल्डिंग बड़ी एंड बनी। हम अब यहाँ से जा रहे हैं और मेरे बच्चे की शुगर खत्म नहीं हो रही है। सी तो जी वॉक करते करते अब हम यहाँ पर आए तो ये रियल अचदान शुरू हुआ है। ओके ये है रियल अचदान वॉक। बस यहाँ से जो वॉक स्टार्ट, एक्चुअली ये एरिया है पूरा जहाँ पे लोग सब वॉक करने आते हैं। बस वॉक करते करते ब्रांड्स की कॉफी शॉप्स बनी हुई है, डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, तो जिसको जो चाहिए वो अवेल कर ले, किसी को शॉपिंग करनी है वो कर ले, कुछ भी कर ले। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वॉक का एक वे बना हुआ है और बहुत व्यू अच्छा है। ये रहा लिखा हुआ अचदान वॉक। और इधर से ले लिया है हमने लेफ्ट टर्न, तो ये है जो मेन पॉइंट है अजदान का, जो यहाँ से अंदर जाते हैं तो यहीं से शुरू है सारी चीजें। तो लेट्स सी, हमारी तरफ से आप सबको हेलो अजदान। हमारा बच्चा लग रहा अकेला ही आया है। बहुत अच्छी स्ट्रीट बनी है और हर जगह लाइट ही लाइट है और बड़ा पोलाइट और पीसफुल सा माहौल है हर जगह तरीके से। सिमटी हुई चीजें बनी है, अपनी अपनी जगह सब कुछ बना हुआ, परेशानी नहीं हो रही बीच में कुछ भी कि कुछ गलत कंस्ट्रक्ट हुआ है। सी मेरा वाटर, मेरा वाटर चेक दिस आउट गो। मैंने अपने बच्चे को खुद ही पानी में भेज दिया, अब अल्लाह रहम करे। मैं ये व्यू दिखाने लगी हूँ जिस तरीके से ये जबरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया, इस तरीके से यहाँ ऊपर पानी ही पानी है। ये आ रहे नबीर सुल्तान। तो जी हम तो आगे आ गए, वजह ये है कि हमारे बच्चे ने अपने शूज़ करते हैं गीले और अब नबी ने उसको वॉकर में बिठाया, थोड़ा डांट के कि भाई बैठ जाओ। और ये आ रहे भाभी और भाई जान बहुत दूर से, तो अब बस यहाँ देखेंगे क्या है क्या नहीं है फिर पता है। Stay tuned. Thank you.
जी इसी के साथ उम्मीद करती हूँ वीडियो और वीलॉग आज का बहुत पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में ये लोग यहीं पर ही हैं और हम लोग इन्हीं के साथ वीलॉग्स बनाएंगे। आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली हैं, डिफरेंट जगहों का सर्वे होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों को आराम से और आसानी से मिल सके। और हमें दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। सेम माशाल्लाह एज़ वेल एज़ अल्लाह हाफिज़।